गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। वैसे मैं अभी दिखा आया था कुछ काम से, तो मैं अभी बीच साइड आ चुका हूँ और अभी साइक्लोन मतलब आते आते रुक गया, उसका लैंडफॉल बांग्लादेश में हो गया, लेकिन दीघा में आना अभी सेफ है नहीं है। सारी चीज़ सारी डिटेल्स वीडियो इस ब्लॉग में मैं बताऊंगा। सो ब्लॉग में बने रहो, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा फेसबुक में फॉलो नहीं करते तो फटाफट जाके फॉलो कर। तो गाइस ये कल तक यहाँ यहाँ पानी था, मेरे एक भाई ने वीडियो भेजा था, उसका मैं क्लिप एक दो डाल देता हूँ। मैं तब लाइक काम पर था, वेडिंग शूट में था, तो मेरा एक भाई यहीं रहता है, तो उसने एक वीडियो भेजा था मतलब साइक्लोन के टाइम क्या यहाँ पे सीन था, और अच्छा हुआ कि साइक्लोन नहीं हुआ। नहीं तो 2020 जैसा हाल होता, और 2020 में क्या हुआ था डिस्क्रिप्शन में देखे चेक कर लेना, मैं वीडियो का लिंक डाल देता हूँ। 2020 में इसमें यश के चक्कर में बहुत तूफान हुआ था खतरनाक वाला, और ये सब टूट गया था, कुछ भी नहीं था, तो उसका वीडियो मैं लिंक में डाल देता हूँ। और मेरा दोस्त भी आया हुआ है, ये कल पुणे चला जाएगा। मतलब पहले एक टाइम था जब हम बैठते थे घूमते थे, बहुत टाइम था, अभी क्या है अभी टाइम ही नहीं है किसी के पास, और बहुत मुश्किल से ये फ्री हुआ है। मैं भी फ्री हूँ, तब आ गए और साइक्लोन का लैंडफॉल बांग्लादेश में हुआ तो बच गए, नहीं तो बहुत खतरनाक वाला सीन होता और शायद ये सब टूटा फूटा मिलता आपको आज। लेकिन ये अभी काफ़ी ठीक है और लोग अभी नहा रहे हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अभी आना सेफ नहीं है, अभी एक हफ्ता 10 दिन बाद ही आओ तो बढ़िया रहेगा। और ये कालूआ के वीडियो में इंटरप्ट कर रहे हैं, कालू कालू अच्छा अच्छा है। गाइज ये सब देखो अभी गीला हो पड़ा है, लाइक पानी ना पूरा फ्लो मतलब यहाँ यहाँ तक था पानी, यहाँ यहाँ तक था, कल तक की ये बात है, तो आज थोड़ा सही है और सब नॉर्मल है, लेकिन अभी भी तूफान वगैरह चल ही रहा है। और देखो पानी का भाव देख रहे हो, बहुत बहुत खतरनाक है, इसमें लोग नहा रहे हैं। अभी लगाना नहीं चाहिए ऐसे, सॉरी नहाना नहीं चाहिए ऐसे टाइम पे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले की बात है, ऐसे टाइम पे जुआर के टाइम पे नहाया था तो कोई किसी बंदे का डेथ वगैरह हुआ था, तो ऐसे टाइम पे तो नहाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो लोग देख रहे सही है, एंजॉय करो मस्ती करो ठीक है, लेकिन थोड़ा अपना भी ध्यान रखना चाहिए गाइस, तो ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए। बाकी सही है, होल्डिका में हूँ अभी और ठीक है, सब ओके है, नो प्रॉब्लम। बट ये देख रहे हो पानी यहाँ यहाँ तक हो गया था, मतलब सोच सकते हो समंदर का पानी, मतलब लाइक समंदर के सामने नेचर के सामने हम बेबस हैं, सिंपल सा लॉजिक है ये। बाकी होल्डिका में थोड़ा सा घूम भी रहे हैं और आपके लिए एक अपडेट भी मैं दे रहा हूँ, तो अभी एक हफ्ते बाद ही आना दीघा, प्लान करना तो बढ़िया। हर किसी को रोक सकते हो, बंगालियों को नहीं रोक सकते घूमने के लिए, मतलब जहाँ लाइक टूरिस्ट प्लेस है वहाँ बंगालीज तो आएंगे आएंगे बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि देखो अभी सबको पता है रेड अलर्ट है, साइक्लोन आया हुआ था, अभी वेदर देख रहे हो कभी भी बारिश कभी भी तूफान, और साइक्लोन का लैंडफॉल तो थैंक गॉड कि बांग्लादेश में हुआ है, अगर यहाँ होता तो सोचो यहाँ का क्या हाल होता, फिर भी लोग आ गए घूमने। तो 2-4 दिन रुक जाओ यार, थोड़ा सा अपना घर फैमिली या लाइक लाइफ को ऐसे एंजॉय नहीं करना चाहिए कि आप खतरे में डाल के एंजॉय कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से अभी आना ठीक नहीं है, कुछ दिन बाद ही आओ, क्योंकि तूफान वगैरह का पता नहीं कब क्या हो जाता है यार गाइस, तो आना आराम से 1-2 हफ्ते बाद। बाकी तो दीघा का ऐसे अभी हाल है, सब आए हुए हैं कुछ कुछ लोग, और ठीक है नॉर्मल लाइफ, लाइफ बैक टू नॉर्मल। और ये झालमुड़ी वगैरह ये तो ओल्ड दीघा में, न्यू दीघा में भी सेम है, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, हर चीज़ आपको मिल ही जाना है। बाकी गाइस ये देखो पानी बहुत, मतलब वेव्स जो आ रहे हैं बहुत 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 खतरनाक आ रहे हैं वेव्स। तो हम लोग एक शंख देख रहे हैं, ये पुणे लेके जाएगा इसके मैनेजर के लिए, तो शंख जो मिलता है ना पूजा पाठ वगैरह का वो देख रहे हैं,
गाइस भूख लग रही थी, मैंने भैया से झालमुड़ी बना लिया 20 रुपए का और इधर मसाला वगैरह डाल दिया, बस मुड़मुड़े जाना है अंदर। मैंने मिर्च कम रखा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही है, बारिश हुई है फिर भी गर्मी कम नहीं हो रहा। और ये अपना सेल्फी में मस्त लगा हुआ है और लोग नॉर्मल इन्जॉय कर ही रहे हैं, लेकिन अभी टूरिस्ट ज़्यादा है नहीं इस तूफान की वजह से, साइक्लोन की वजह से ये हाल है। बाकी ठीक है, सब आए हुए हैं, इन्जॉय कर रहे हैं आप भी, है ना, कुछ दिन बाद। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, बाकी आपको आना है अभी तो आ सकते हो, वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कुछ दिन बाद।